Hello, 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 and welcome back to another review episode. We are back with the review of one of the most exciting episodes of this season and I would say this series yet. So let's jump right into it. Before we get to the obvious and the most exciting part of the episode, we would I would like to start from the beginning. एपिसोड शुरू होता है थोड़ा स्लो बन है डेमन के स्ट्रगल्स अभी भी दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुके हैं हारन हेल एंड द घोस्ट ऑफ हर एन हाल से एंड ही इज़ लाइक दी ही इज लॉस्ट क्लैरिटी बिटवीन वॉट इज़ रियल वॉट इज़ हेल्यूसिनेशन और वो कहाँ पे है क्या सोच रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड र एन हाल का कर्स ऐसा है कि इट इज सेड दैट हुज स्पेंट टाइम स्पेंट टाइम देर होवर हैज लिव्ड देयर और रूल्ड देयर हैव मेट मिजरेबल डेथ्स और हैव मेट हैव मेट देयर एंड वेरी सून एंड इफ दैट इज सो डेमन टारगेरियन का अंत करीब है तो आई डू नॉट होप सो बट आई थिंक जैसा उनके साथ चल रहा है अगले एक से दो एपिसोड में उनका अंत हो सकता है इफ इज एबल टू फाइट इट आई एल बी इज कि प्रेगनेंट बिकॉज शी कंज्यूम द टी दैट दे यूज टू फीड ऑल द द ऑल द गर्ल्स दैट एगॉन शी हैज द सेम टी एंड शी इज रीलिंग विद इट अलोंग साइड दैट दैट वॉज अ शॉकिंग रेवोल्यूशन इन इट सेल्फ बट उसके अलावा किंग्स लैंडिंग में आफ्टर गेटिंग टू नो द रियलिटी बिहाइंड वॉट विरिस हेड एक्चुअली टोल्ड हर शी इज़ गोइंग अराउंड शी इज शीज शोन टू बी टॉकिंग टू पीपल ग्रैंड मेस्टर्स ट्राइंग टू गेट दैट वन होप ट्राइंग टू जस्टिफाई बट टूवर्ड दी एंड उनकी एक कॉन्वर्सेशन uh, भी दिखाई गई है uh, uh, और uh, मतलब नाउ शी इज़ आल्सो बिलीविंग शी इज़ आल्सो रीच द रीच द कंक्लूजन कि द वॉर इज़ इनएविटेबल नाउ इट्स टू लेट अब कुछ भी नहीं हो सकता है एंड व्हाट वी ऑल वांटेड एज फैंस इफ यू ऑल वांटेड सम एक्शंस आई मीन अब पूरी तरीके से ऑन है और यहाँ से द इज़ नो गोइंग बैक एट ऑल इसके अलावा किंग्स एलैंडिंग में आ, हम देखते हैं कि एमन टारगेरियन इज द रियल मास्टर माइंड बिहाइंड द वॉर ही हैज बीन वेरी वेरी इन्वॉल्व इन वॉट एवर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है बैटल फील्ड पर एमन टारगेरियन इज डिरेक्टली इन्वाल्व इन ऑल ऑफ़ दैट एंड एगॉन स्टार्ट फीलिंग इनफीरियर एगॉन रियलाइज कि भाई मे मतलब मेरा मेरी तो कोई सुन भी नहीं रहा ना मेरी चल रही है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ and and that is why he goes, he goes reaches out to Alicent as well where what should I do, what should should I I do do not gives him the current, correct advice कर, but क्या होता है आगे वो हम सबने देखा है हम सबको पता है ड्रैगन स्टोन पे रेनियरा Targaryen किंग्स लैंडिंग से वापस आती है और वो रियलाइज करती है कि अब वॉर इनएविटेबल है अब मेरे को पीस नहीं चाहिए अब मेरे को अटैक करना है मेरे को करना है और आई हैव टू एक्ट फर्स्ट वी कैन नॉट बी द वंस टू एक्ट सेकेंड क्योंकि ऑलरेडी सर क्रिस्टन कोल तो आर्मीज के साथ क्राउन uh, लैंड में हर कैसे लेके करके कैप्चर कर ही रहे हैं तो शी वॉन्ट समवन टू नॉमिनेट देम टू गो अहेड एंड कैरी आउट द अटैक शी हर सेल्फ कै नॉट गो बिकॉज शी इज डेफिनेटली दंटेंडर टू द आन थ्रोन और लाइक like, कंटेंडर है वायन थ्रोन की वो नहीं रहेंगी तो फिर जितने भी लोग उनके सपोर्ट में है वो भी नहीं रहेंगे तो शी कैनॉट गो एंड रेनीस टारगेरियन नॉमिनेट्स हर सेल्फ वॉल्टियर्स टू गो एंड फाइट एट द रुक्स रेस्ट और uh, इसके अलावा रेनरा uh, टारगेरियन का एक बहुत ही शानदार uh, सीन दिखाया गया जहाँ पे वो अपनी प्रोफेसी जैसे उनको पास की गई थी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन बिकॉज टारगेरियंस की ये जो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर है ये ये पास होना बहुत जरूरी है, टू टू फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट सीन दैट वॉज शोन देर ऑन द बैटल फील्ड Uh, जहाँ पे वो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन द नाइट इन द शेड ऑफ द फॉरेस्ट ही इज डिसड टू अटैक रुक्स रेस्ट कैसेल इन द क्राउंस लैंड मिड ऑफ द डे और uh, वो डिसीजन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ता है उनपे तब वेन दे रियलाइज दैट मे लीज एन विथ हर राइडर रेनीस आर ऑन टू देम एंड शी इज़ ऑन द अटैक और ये पूरा जो सीक्वेंस शूट हुआ है जहाँ पे पूरा बैटल दिखाया गया है कि रेनीस है एंड शी इज डिसाइडेड टू वॉल्टियर हर सेल्फ टू गो आउट एंड अटैक बिकॉज रेनियरा कैंट गो ऑन बैटल फील्ड डेमर इज़ नो वे टू बी सीन तो उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं एंड मे लीस वॉज एक्चुअली द मोस्ट एक्सपीरियंसड ड्रैगन दैट दी हैड सो शी वॉन्टेड टू वॉलेंटियर हर सेल्फ एंड गो टू द बैटल फील्ड वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन द वे इट वॉज पोर्ट्रेड इसके अलावा हम एक और जगह एक और बहुत ही शानदार चीज़ देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं जहाँ पे इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू सीजन वन कम्प्लीटली जहाँ पे व्हेन वी सी एगॉन टारगेरियन फ्लाइंग टू द बैटल फील्ड एंड मोमेंट्स बिफोर दैट वेगार एंड एमंड आर प्रिपेयरिंग टू लॉन्च देयर काउंटर अटैक टू टैकल रेनीस लेकिन जब वो देखते हैं कि वहाँ पे एगॉन आ चुके हैं ही कमांड्स वेगार टू ट uh, uh, like और वहाँ पे हम देखते हैं जो सीजन वन की एंडिंग में हमने देखा था कि ऐमंड uh, टारगेरियन uh, को कंट्रोल नहीं था वेगार का एंड दैट इज वायर प्रोबली लिटल लूज लॉस्ट इज लाइफ यहाँ पे वी सी क्वाइट द कॉन्ट्ररी और जब वेगार और एमंड आते भी हैं दिन वेयर एगोन इज बर्न टू फायर या जो भी मतलब उनके ड्रैगन को भी ध्वस्त कर दिया जाता है assuming and observing the control that he had on vegar in the scene prior to that it is very much understandable ki Aemon wanted to kill aegon there are no two ways about it he he was destined to do it sorry he was set to do it and he did it uh like in simpler terms we can say ki aegon ka katla kiya hai is episode mein. maybe out of uh spite maybe out of Uh, and, मतलब उनको समझ आ गया था कि भाई एग ऑन टारगेरियन के बस की तो कुछ नहीं है ही विल नॉट बी एबल टू रूल द सेवन किंगडम्स या वेस्टरोस नहीं चला पाएंगे वो विथ वॉट एवर ही हैज़ बीन डूइंग वॉट एवर एमंड सीन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड ही वॉज इरीटेटेड और इसके पिछले एपिसोड में जो ब्रॉतल का भी सीन है लाइक पब्लिक शेमिंग ऑफ सम लाइक एमंड हु इज़ वेरी सस्पिश हु इज़ अ वेरी शाई कैरेक्टर और वेरी अग्रेसिव ऐसे बट इनिशियली ऑन द लाइक फर्स्ट इंप्रेशन वुड बी अ वेरी शाय कैरेक्टर तो आई थिंक अकाउंटिंग फॉर ऑल ऑफ दैट एम टारगेरियन हैड डिसाइडेड दैट ही वॉन्टेड टू किल एगॉन एंड वेन ही सॉ दैट एगॉन इज इन द बैटल फील्ड आई थिंक ही ग्रैप द ऑपरचुनिटी विद बोथ हैंड्स ही डेफिनेटली वॉन्टेड टू अटैक रेनीज बट एगॉन को मारना तो उनका उपलक्ष्य था ही जो उन्होंने पूरे पूर्ण प्रकार से हासिल किया इसके आगे हम देखते हैं एक बहुत ही शानदार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोरियोग्राफ एक्शन सीक्वेंस बिटवीन द टू ड्रैगन्स यहाँ पे रेनीस और एमंड की तो चलो बात हम ना भी करें वो तो मैं इसके बाद और करना चाहता हूँ रेनीस की स्पेशली बात लेकिन जो हमने डांस ऑफ द ड्रैगन्स की जो इतनी हाइप है जो इतनी बात की गई है हर जगह जो जो इतना प्रच मतलब इतना फेमस ये टर्म्स हुए हैं वी एक्चुअली गॉट टू सी दैट भाई जो दोनों ड्रैगन्स ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है और जिस तरीके से दे आर स्पिनिंग अराउंड और स्पिटिंग फायर भाई खूबसूरत शानदार टेन ऑन टेन जबरदस्त मोमेंट जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस नाउ कमिंग टू रेनीश टारगेरियन वन ऑफ आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल डेथ्स हाउस ऑफ द ड्रैगन में तो चलो है ही है बट आई थिंक इट इज कंपेरेबल टू

द ग्रीन टीम के पास कुछ बचता नहीं है फिर इट्स वेरी इट्स इट्स फॉर्मैलिटी रह जाती है उसके बाद लेकिन आ uh, वेगार को मारने की एक और कोशिश करना और वहाँ पे जिस तरीके से वो सीन दिखाया गया जहाँ पे वो और मेलीस एक दूसरे को देखते हैं दे इट्स लाइक अ इट्स अ अट्टेर इट्स अ लुक दैट द शेयर और वहाँ से फिर शी सेज टर्न अराउंड मेलीस एंड शी गोज़ बैक टू अटैक वो सीन बहुत ही इमोशनल सीन है बहुत ही गूज बम्स दे देने वाला सीन है वो और रेनी स्टारगेरियन का पोर्ट्रेयल जो था बहुत ही शानदार था इसी इस पूरी सीरीज़ में उनका कैरेक्टर आर की बात हम पिछले एपिसोड में भी कर रहे थे जहाँ जा, जहाँ पे उनकी समझ ऑफ द सिचुएशन हर सेंसिबिलिटी हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू रूल दीज थिंग्स वर शोन वेरी वेरी ब्यूटिफुली और बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया था उनका कैरेक्टर तो हर कैरेक्टर कमिंग टू एन एंड इज़ डेफिनेटली सैड

वेगार uh, वेन uh, जब वो ज़मीन पे गिर जाते हैं रिनीस uh, और मेलीस के साथ फ़ाइट करते हुए व्हेन एमंड एंड वेगार आर ट्राइंग टू टेक ऑफ अगेन वो तीन चार फुट सोल्जर्स पे पैर रखते हुए उड़ता है वेगार एंड फुट सोल्जर्स आर क्रश्ड ये सब चीज़ें डिपिक्ट करती हैं कि इस वॉर में इस बैटल में फुट सोल्जर्स और बाकी चीज़ों की वैल्यू बहुत ही कम है मतलब वॉर विल बी वन ऑन ड्रैगन्स एंडली टाइम एटलीस्ट ऑल ऑफ अगर एक भी ड्रैगन जिंदा है तो ये, ये ही जिताएंगे किसी भी साइड को फुट सोल्जर्स की कितना भी बड़ा वॉरियर हो कोई भी कहीं का भी सूरमा हो तीसमार खान हो वो कुछ वैल्यू नहीं रहेगी जैसा गेम ऑफ थ्रोन देखा था देर वर सम्पोर्ट्स मैन एक्सेप्शनल

और उसके पास जाते हैं हड्डियां भी नहीं बची हैं कुछ भी नहीं बचा है इतना आफ्टर मैथ है ड्रैगन फायर का इतना जबरदस्त आफ्टर मैथ है एंड दीज सी जस्ट गटिंग इफ आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल सीन्स और इम्पैक्टफुल सीन्स फ्रॉम द एपिसोड एक सीन है जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होता है जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था बट वो सीन वैन रेनीस जब अपना जो उनका बेल्ट है जो उनका बकल है वो टाइट करती हैं सो दैट टू डिपिक कि मैं भी अपने ड्रैगन का साथ नहीं छोड़ूंगी आई डाई ऑन द बैटल फील्ड दैट इज फाइन आई वॉन्ट टू फाइट डाइंग बट आई वॉन्ट टू डाई बिसाइड माई ड्रैगन आई वॉन्ट टू डाई बिसाइड अगर मेरी इसने मेरा साथ दिया है तो मैं भी उसका साथ दूंगी एंड दैट इज जस्ट दैट इज जस्ट द कनेक्शन दैट द टारगेरियंस दे ट्रीटेड देम एज देयर ओन एज देयर किन अपने मतलब रिश्तेदारों भाई बहन की तरह रखते थे बच्चों की तरह रखते थे तो दैट वॉज अ वेरी गुड सीन दैट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल सीन गट्रेंचिंग सीन ऑल्सो अब आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि डेमन टार्गेरियन के साथ होता क्या है कि वो पागल ही होते रहेंगे या उनका कुछ इंपॉर्टेंट पिविटल रोल होगा इस वॉर में प्ले करने के लिए uh, एगोन टारगेरियन को कि मतलब को अनकॉन्शियस तो दिखाया गया है आई एम नॉट श्योर इफ इज कम्प्लीटली डेड इफ़ इज पासड आउट वॉट इज वॉट इज इट इन द लास्ट सीन दैट वी सॉ बट एज पर बुक्स ही माइट बी अलाइव बट वी डो नॉट नो फॉर श्योर सो दैट विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी इन द नेक्स्ट एपिसोड की होता क्या है क्या ईमंड बनेंगे अब अगले दावेदार गद्दी के क्या गद्दी वो संभालेंगे या फिर एगॉन टारगेरियन इज फिट एंड फाइन ही विल कंटिन्यू एस द कंटेंडर वी डोट नो फॉर श्योर बट दे लॉस्ट अ ड्रैगन एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेनियरा टारगेरियन कॉर्लीस Uh, इन सब लोगों का रिएक्शन क्या होता है टू रेनीस डिमाइस इट विल आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्या डेवन टारगेरियन वापस आएंगे अपने घर क्या वो जिंदा बच पाएंगे क्या नेक्स्ट अटैक हर हॉल होगा जहाँ पे हमें बड़ा बैटल देखने को मिलेगा जहां डेवन टारगेरियन uh, और एमंड का uh, आमना सामना हो सकता है इट विल ऑल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दीरीज द सीजन इज बॉइलिंग अप द सीजन इज हॉटिंग अप एंड वी आर ह्योर फॉर इट आई एल बी बैक नेक्स्ट वीक विद अनदर रिव्यू एपिसोड तब तक के लिए लाइक like करो अगर यहाँ तक देखा है इस वीडियो को सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड डू लेट बी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई फॉर गॉड टू कवर समथिंग या कुछ ऐसा है जो तुम और देख्यूज कुछ ऐसी चीजें जिनका तुम रिव्यू और देखना चाहते हो अगले एपिसोड तक के लिए गुड नाइट टेक केयर बाय एंड आई सी यू ऑल नेक्स्ट वीक